Hello and welcome everyone from the Go Chatting community, from the Sniper community. It's 29 June 2023. It's evening. The weather is really good outside and I have a lot of energy today, essentially because of a holiday. So, I thought you all had a common question for everyone. How did scalping learn scalping? What is scalping? और अंगद सर आप मोमेंटम कैसे पकड़ लेते हो, प्रीमियम एक्सपेंशंस कैसे पकड़ लेते हो, राइट? और एक इफेक्टिव ट्रेडिंग सेटअप भी मैं यूज करता हूँ जहां मैं स्कैल्प भी करता हूँ बट एक बड़े मूव में भी एंटर करता हूँ. दिस इज माय ब्रेड एंड बटर, एसेंशियली टू इन वन इंट्राडे स्नाइपर सेटअप बोलता हूँ मैं इसको. स्पेसिफिकली छोटे अकाउंट को बड़े अकाउंट में बड़ा करने के लिए ये मैं स्पेसिफिकली यूज करते आया हूँ, अभी भी करता हूँ. लास्ट थर्सडे की एक्सपायरी पे ये सबसे इफेक्टिव एग्जाम्पल था, तो उसका ही एग्जाम्पल लेंगे. बट टू कीप थिंग्स सिंपल एंड शॉर्ट इन दिस वीडियो, आज आप एक स्कैल्पिंग टेक्निक सीखने वाले हो और सिर्फ वो नहीं, उसके पीछे का फ्रेमवर्क सीखने वाले हो कि ये एक्चुअली सेटअप बनाया कैसे, क्या सोच थी, ताकि आप फिर खुद सीख के ये फ्रेमवर्क खुद का एक स्कैल्पिंग सेटअप बना पाओ. ठीक है, इट्स नॉट ओनली कि आप मेरा सेटअप लो, कॉपी करो और ट्रेड करो. मार्केट्स डायनामिक होते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो आपको मार्केट्स के हिसाब से अडेप्ट करना आना चाहिए. विच मीन्स क्या मतलब क्या है इसका, कि आपको फ्रेमवर्क अगर पता हो तो आप एक नए 100 सेटअप बना सकते हो इससे. सो आज मैं स्कैल्पिंग का फ्रेमवर्क सिखाने वाला हूँ और उस फ्रेमवर्क से सबसे पॉपुलर सेटअप जो मेरे पास, मैं ट्रेड करता हूँ, इफेक्टिव ट्रेड सेटअप जो है वो सिखाने वाला हूँ. सो ये दो चीजें हम इस वीडियो से सीखने वाले हैं. एक तो स्कैल्पिंग कैसे करनी है और स्कैल्पिंग करते करते बड़े मूव में एंटर कैसे करना है, ताकि हम दोनों कर पाए, और वो भी स्कैल्पिंग टेक्निक यूज करके बड़े मूव की रिस्क हम कैसे मैनेज करते हैं. यूजुअली आपने देखा है अभी कई लोग यहाँ 2 महीने से ट्रेड कर रहे हैं, कई लोग 15 दिन से कर रहे हैं, राइट? यूजुअली मेरा ट्रेडिंग स्टाइल कैसा होता है कि मैं एक स्कैल्प लेता हूँ 30 पॉइंट का, उसी को यूज करता हूँ और दूसरे लॉट पे उतना ही स्टॉप लॉस लगा देता हूँ और बैठ जाता हूँ बड़े मूव के लिए. एंड देन आई हाउ डू आई सो तीन क्वेश्चंस होते हैं लोगों के यूजुअली, उसमें से दो इम्पोर्टेंट ये ही होते हैं कि सर आप मोमेंटम कैसे पकड़ लेते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंड ऑफ ऑल कि आप बड़े मूव्स में कैसे बैठे रहते हो. तो इसका सोल्यूशन एक ही था, सबको मैंने बताया हुआ है कि साइकोलॉजी में मैनेज करता हूं बाय मैनेजिंग माय मूव्स और यू नो मैनेजिंग माय एंटायर ट्रेड. सो रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट से मैं साइकोलॉजी मैनेज करता हूं, और ये एक 2-in-1 इंट्राडे स्नाइपर सेटअप मैं बहुत बार यूज किया हूं आपके सामने. सबका यही क्वेश्चन होता है, मोमेंटम कैसे पकड़ते हो, प्रीमियम एक्सपेंशंस कैसे पकड़ते हो और मूव में कैसे बैठते हो आप विदाउट वरिंग. और बहुत बार मैंने आपको ये सिखाया हुआ है, बोला हुआ है कि मैं साइकोलॉजी को एक्टिवली मैनेज करता हूँ बाय एक्टिवली मैनेजिंग माय रिस्क, विच मींस ट्रेड मैनेजमेंट एसेंशियली. ओके, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न हियर टुडे. टू थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न, एक आपको सेटअप मिलेगा आज इस वीडियो में, और दूसरा इस सेटअप को कैसे बनाया ताकि आप अपना खुद का सेटअप बनाओ. सिंपल, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो आगे फ्रेमवर्क बताने के पहले एक उसकी स्कैल्पिंग क्या होती है. स्कैल्पिंग इज अ वेरी क्विक शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेड लुकिंग टू कैपिटलाइज ऑन एन एंटीसिपेटेड क्विक मूव इन वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बैंक निफ्टी और निफ्टी विद अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. ओके, सो लेट्स ब्रेक डाउन दिस सेंटेंस. ओके, स्कैल्पिंग इज अ शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेड, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हम एक ट्रेड लेते हैं और हम एक क्विक मूव पकड़ने के लिए ट्राई करते हैं, स्पेसिफिकली वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स बैंक निफ्टी निफ्टी में, राइट? बट उसका हाई प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, द सक्सेस रेशियो शुड बी हाई, राइट? फिर इट रिक्वायर्स यू टू हैव एन एबिलिटी टू टेक ट्रेड्स विदाउट इमोशन एज इट रिक्वायर्स क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये मूव्स फास्ट आते हैं. आपने बहुत बार देखा होगा मैं जैसे ही बोलता हूँ 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर, या कभी कभी ऐसे होता है कि 5 मिनट लग जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब एंड ऑफ द डे होता है या लिक्विडिटी जब सबसे ज्यादा होती है, वॉल्यूम होता है, वॉलिटिलिटी आती है बेसिकली मार्केट में, तब हार्डली मैं बोलता हूँ और प्रीमियम एक्सपांशन हो जाते हैं इमिजिएटली, राइट? तो क्यों होते हो, एक तो मैं क्विक डिसीजन मेकिंग कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास प्रोसेस है, ठीक है? दूसरा, मैंने इमोशन कंट्रोल पे मास्टरी ट्राई कर रहा हूँ, राइट?
इट इज ऑलवेज अ ऑन गोइंग प्रोसेस, ठीक है। तो दो चीजें याद रखनी है, स्कैल्पिंग होती है एकदम शॉर्ट टर्म के लिए ताकि हम एक बड़े क्विक स्पाइक कैप्चर कर पाए और इमिजिएटली इन एंड आउट कर पाए, और स्पेसिफिकली कहाँ हो गए, वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली, एंड निफ्टी नाउ डेज एज वेल, राइट, विद न्यू हाईज एसेंशियली, ठीक है। यूजुअली अभी एक्चुअली स्कैल्पिंग होती थी दो तीन पॉइंट में, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में, बेस्ट में, राइट, और उसपे पांच छह पॉइंट निकालने के लिए वो ट्राई करते हैं। अपना उतना वॉलेटाइल नहीं मार्केट और अपने कंडीशंस डिफरेंट है, सो गिवन दैट स्कैल्पिंग हमारे मार्केट में थोड़ी डिफरेंट है। हमारे मार्केट में एक हाई वॉल्यूम के साथ, मतलब हाई साइज के साथ हम एंटर करते हैं, एक छोटा स्टॉप लॉस लेके, ठीक है, और 20-30 पॉइंट निकालने के लिए। सो लो एक 5 to 10 points, 5 to 10 points ऑफ SL टू कैप्चर 20-30 points, ठीक है। अभी 20-30 point निकाल के एक लॉट पे या दो लॉट पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट स्कैल्पिंग होती है बड़े क्वांटिटी पे। द होल आइडिया अबाउट स्कैल्पिंग इज कि मैं एक या दो मूव लू 5-5 मिनट में और मेरे दिन का कमा के निकल जाओ। इट इज पैराडाइज टू थिंक अबाउट इट, बट वो एक्चुअली वैसे नहीं है। पूरा दिन बैठना है, पड़ता ही है मार्केट में, बट आप ट्रेड, आपकी जो रिस्क होती है वो एक्सपोज्ड नहीं होती है ज्यादा टाइम के लिए। आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, आपकी रिस्क बहुत टाइट होती है, क्योंकि आपने एक सेटअप डिटरमाइन किया है, वही ट्रेड कर रहे हो स्कैल्पिंग में आप, जहां आप बड़ा साइज ले रहे हो, छोटा सा स्टॉप लॉस दे रहे हो और क्विक मूव आने की एंटिसिपेशन है, और वहां हाई प्रोबेबिलिटी है, उसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आप ट्रेड ले रहे हो स्पेसिफिकली। और 18,000, 36,000, 44,000, वॉट एवर इट इज, 600, 12,000, 1,800 के क्वांटिटी पे आप 20-40-60,000 कमा के निकल जा सकते हो, बट उसके आज नहीं करना आपको, आपको दो या तीन लॉट पे ये सीखना है पहले, ठीक है। सो अगर ये स्कैल्पिंग होता है तो मतलब हम, हमारे क्राइटेरियाज क्या हो गए कि हमें एक छोटा SL चाहिए, हमें क्विक मूव चाहिए और हमें हाई प्रोबेबिलिटी चाहिए उस सेटअप पे, राइट। सो नेचुरली अगर हमें पता है कि ये हम तीन चीजें चाहिए हमें, तो उसमें ये कंडीशंस कब फुलफिल होगी। सो मैं यूजुअली, मैंने ये देखा हुआ है, दिस इज द टाइम टू एक्चुअली, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ आवर फ्रेमवर्क, कि आई ट्रेड फेलियर ऑफ पॉपुलर सेटअप्स, पॉपुलर टेक्निकल जोन्स, टेक्निकल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस। क्यों, मैं बताता हूँ व्हाई, व्हाई डू वी ट्रेड फेलियर्स ऑफ पॉपुलर सेटअप्स लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के फेलियर को मैं ट्रेड करता हूँ, राइट। ये अलग चीजें हैं और तीन चार हम आएंगे, बट फेलियर को हम क्यों ट्रेड करेंगे। फेलियर से क्या होगा कि हमें एक छोटा SL, हमें, मैं बाद में बताता हूँ कि कैसा होगा ये, बट एक सिंपल है कि ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होती है हम जब ब्रेकआउट फेलियर्स ट्रेड करते हैं तभी, ठीक है। क्विक मूव भी आता है क्योंकि जो ट्रैप्ड बायर्स और सेलर्स होते हैं उनको फोर्सफुली हम, हमें स्क्वेयर ऑफ करना पड़ता है ट्रेड को, ठीक है, तो वो कवर करते हैं या लिक्विडेशन करते हैं इमिजिएटली, ठीक है। तो फिर अगर हमें सबसे बेस्ट स्कैल्पिंग हमारी अगर इस पे फेलियर्स पे होती हो, तो फिर हमने क्या करना चाहिए। सिंपल थिंकिंग देखो, अगर ब्रेकआउट फेलियर को ट्रेड करना है फॉर अ सक्सेसफुल स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, सो व्हाट डू वी लुक फॉर ओवर देयर। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट एवरीवन शुड हैव इज एक्चुअली व्हाट सेटअप्स वर्क बेस्ट, और बेटर वुड बी व्हाट सेटअप फेलियर्स वर्क बेस्ट। सो मैं फ्रेमवर्क सिखा रहा हूं, अगर मैं, अगर फिर से एक स्कैल्पिंग टेक्निक अगर बनाना, बनाने बैठा, तो मैं क्या सोचूंगा, व्हाट विल आई थिंक अबाउट, यू नो, व्हेन आई सिट फॉर अ गुड स्कैल्पिंग टेक्निक हियर, व्हाट शुड आई बी थिंकिंग अबाउट। द फर्स्ट थिंग आई शुड थिंक अबाउट इज टू फुलफिल दीज क्राइटेरिया। ओके, टू फुलफिल दीज क्राइटेरिया आई हैव फाउंड आउट दैट सेटअप फेलियर्स वर्क बेस्ट। ओके, एंड विच सेटअप फेलियर्स विल वर्क बेस्ट, वेर इट इज अ वेरी कॉमन स्ट्रैटेजी। सो वॉट आर सम कॉमन स्ट्रैटेजीज स्कैल्पिंग, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट स्कैल्पिंग हियर टूडे। सो वॉट आर सम कॉमन स्कैल्पिंग टेक्निक्स,
कि हम डे हाई डे लो के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं, क्विक मूव मिलते हैं, पाइवट्स पे ट्रेड लेते हैं, 200 ईएमए पे स्कैल्पिंग करते हैं, 50 ईएमए पे स्कैल्पिंग करते हैं, राइट? सो फाइंड आउट, इट्स वेरी इजी इफ यू आर इन दिस बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो मोर देन 6 मंथ्स, आपको पता है कि यूट्यूब पे जाओ, सबसे ज्यादा व्यू जिसी भी कॉमन सेटअप का उसको पकड़ो और उसका फेलियर सेटअप, उसका फेलियर ट्रेड करो. अभी व्हाई? इफ एवरी वन इज ट्रेडिंग दैट सेटअप एंड इट फेल्स, देन देर आर लॉट ऑफ ट्रैप्ड बायर्स एंड सेलर्स. टू फाइंड विच सेटअप विल हैव द मोस्ट ट्रैप्ड बायर्स एंड ट्रैप्ड सेलर्स, यू हैव टू जस्ट चूज वेरी पॉपुलर सेटअप्स लाइक डे हाई एंड डे लो इज द मोस्ट. मैं इससे स्टार्ट किया, ठीक है, फिर 200 ईएमए पे मैंने टेस्ट किया, फाइनली पिवट पे मैंने सबसे ज्यादा टेस्ट किया हुआ है, हालांकि अभी रिसेंटली किया हुआ है, बट इसका हम आज एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है. बट आई थिंक एवरी वन विल एग्री हियर कि न्यू लिक्विडिटी कम्स आफ्टर डे हाई ब्रेक एंड डे लो ब्रेक, ओके, एंड दैट इज द मेन टाइम वेन न्यू फ्रेश पोजिशन आर बींग बिल्ड. ओके, सो फर्स्ट वी आर एंटिसिपेटिंग, ओके, विच आर सम पॉपुलर सेटअप्स दैट विल वाई पॉपुलर सेटअप्स, देयर फॉर दे विल अट्रैक्ट मोर लिक्विडिटी सो दैट मोर पीपल विल गेट ट्रैप्ड एंड देन वी ट्रेड अगेंस्ट देम. ओके, एंड हाउ टू एंटर इट इज वॉट आई एम गोइंग टू टीच. ओके, सिंपल, सो फार सो गुड, ऑल राइट. Now let's move on to our go charting chart. This is a bank nifty chart on a 5 minute time frame. We traded exactly this move last Thursday, and I do this regularly. All my students are on this call right now. They can attest to it. Okay, I do this very often on my lives, very often on my YouTube lives when I used to come online. Some of you may remember, some of you may not. बट जस्ट स्टिक विथ मी हियर, ओके, जस्ट फॉलो थ्रू द प्लान. ओके, अगर चलो हम पिवट्स चूज करते हैं, सो देर आर थ्री फोर थिंग्स, देर आर मेनी अदर थिंग्स, वीक हाई लो, नो पैटर्न्स, राइट, बट आई हैव फाउंड आउट दैट प्राइस एक्शन पैटर्न्स वर्क बेस्ट, और प्राइस एक्शन पैटर्न्स में सबसे बेस्ट वर्किंग आर दीज थिंग, और इनफैक्ट दीज थिंग्स Pivots might not come in price action, but they do, but I wouldn't call it exactly price action. But these are some common popular setups, okay, popular levels that people use, okay. Best are also Fib levels, okay. I personally feel pivots are the best right now because they are relatively popular, they work really well, so they have a higher probability of working, therefore people use it, more people use it with confidence, therefore more liquidity is anticipated over there, therefore more trapping is anticipated on the failure of breaking pivot levels, and therefore it becomes a great scalping setup for us, which fulfills the condition of a quick move, small SL and high probability. How does that happen? I will now teach you, but the main reason why we have chosen failures is because agar quick move aana hai opposite apne direction mein, to you have seen ki short covering or liquidation ye panic selling or panic buying hoti hai, and that is when you are least anxious ki apne ye yahan se trader x point se agar sorry yeah So let's get to the charts, okay, let's do this. So last Thursday I captured the entire move from here and exactly from here to this, okay, and then I said let's stop because this is exactly made us a lot of money by, you know, it was a sideways market, then eventually we had a breakdown of this range, then I said okay, let's take a long call, we'll scalp for some few points, okay, and then we also actually I made you hold both the lots. Usually I don't do that because there was some things I was looking, okay. But for now, let's start off with it. I think सबको basic समझ गए हैं और framework समझ गया है कि हमको अगर setup बनाना है तो उसमें क्या होना चाहिए. छोटा SL देना है हमें, एक fast move आना चाहिए उसके बाद, और high probability होनी चाहिए, ठीक है. तो high probability कब होगी? जब high probability setup के failures हम trade करेंगे, ठीक है. How does that happen and why does that happen? I will cover a little bit later in the video. Quick move. अब होगा जब यू नो ट्रैपिंग से होगा, ठीक है, और छोटा एसएल ऑन स्मॉल एसएल
at key levels. Okay, so that's why I have chosen pivots. Okay, pivot failures. Let's trade pivot failures. Pivot level failures. Okay, not exactly pivot, because all right, cool. Now we'll just quickly start these pivot points. What has happened here? Pivot to pivot trade हुआ है, right? So the first Screen, criteria, screen, screen, please, screen, please. here is cool. Now we'll go through the criteria, okay? Angad bhai, please tell how to select the pivots also. That I will cover in the later video. Kindly do not disturb me after this. Okay, let me continue. How to put the pivot levels is from this. Okay. Let's move on. Okay, this was the S1. It broke down. ठीक है, इसको ब्रेक किया और एग्जैक्टली ये पैटर्न क्या है. सो फर्स्ट थिंग्स वी विल लुक फॉर इज द प्रोसेस. ओके, पैटर्न, एक्स सी पैटर्न. पैटर्न में क्या होना चाहिए? बायर्स एंड सेलर्स, फेलियर लेवल्स, एग्रेशन इन द ऑपोजिट साइड ऑन ऑर्डर फ्लो एब्जॉर्प्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्रेक ऑन ऑर्डर फ्लो. रिवर्सल पैटर्न लाइक हैंगिंग बुलिश बेरिश हैमर पिन बार. स्पेसिफिकली पिन बार, लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग. रिवर्सल पिन बार, रिवर्सल पैटर्न. ठीक है, सो दिस इज द पैटर्न. व्हाट टू लुक फॉर? एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू कैन यूज एवरीवेयर. सो वन इज माय सेटअप इज बेस्ड ऑन पिवट लेवल्स ब्रेकिंग एंड फेलिंग, एंड देन आई यूज द सेम पैटर्न. If you want to trade fib levels, failure of fib levels breaking and then failing, you can do the same. But these conditions remain the same, with an exception of this pattern. Okay, pin bar. Sometimes you don't get a pin bar, you get something else. Bullish, bearish hammers, other stuff. Okay, but I do. If you want a high probability setup, then this increases the probability by at least 20 to 30% in my opinion. And so this is what I exactly trade. This is all I look for. Okay, so first we want to look of failure of levels. Okay, what this is, this was the level, it broke down and it has failed. Okay, but to this we will come to later on. Okay, first thing you want to look is for, oh, this level has broken. Yes, screen. This level has broken. First thing to look for is this level has broken. Okay, and there is another point that I want to add here is actually caught high and low. Caught high and caught low. You can learn about caught high and caught low later on in different videos. Right now, I'm not going to cover it essentially. But what to look for is I will teach you exactly what to look for. Okay, here. Now, first thing to look for, is there absorption or is there a pattern? Yes, this is a pin bar bullish pattern, right? One condition
This is done. Right, this is done. Now we want to look for absorption and aggression. Okay. Contracts plus all of these contracts are trapped or absorbed, not trapped yet. Okay, absorbed. You all understand absorption. I will not be covering absorptions and exhaustion in this video. There are many videos on other videos on go charting that you can watch. Okay, but this is a clear negative delta. But price has closed in the opposite direction, which is a green candle. It has made a pin bar bullish pattern. Also, in this pattern, so not only this pattern is coming at our level, okay, a reversal pattern is coming at our level, there are trapped sellers here. Okay, this is the most important. Okay, what has what must have happened here? He close off all my notification sounds. It's quite disturbing. What must have happened here, guys? Kya hua rahega idhar? Ki ek level break hui hai, theek hai? And now shorts are trying to move to this S2. Okay, what has happened? There are limit buyers here because price has definitely absorbed. Sellers are definitely absorbed here. All right. Or, okay. So these two, three conditions, and there is aggression. There is buying that is happening. If you look at other candles, see volume in buying is less than volume in selling. Then volume in selling and buying is pretty similar, but selling is more. Then this is equal. Then volume in selling is decreased. All of the volume has got absorbed, and you can see volume on buying on each box is pretty strong and solid. Okay, so what does that fulfill? It fulfills our this for us criteria. Second criteria, aggression, yes. Absorption, yes. Right, pin bar pattern, pattern at pivot levels, yes. Okay, now when you want to catch, you also need to look at if caught high is going from is becoming positive. So has it become positive? If you look at the pattern, -416, -318, going to -102 is a positive change. -132 to immediately -2.5. It is a very big positive change. It's going from a -132 to -2. So almost zero, near zero levels, right? So this implies that there is a reversal coming in as well. So caught high condition has met for a long reversal. Okay, if you're scalping long, if it is we'll cover the opposite trade setup from the top. Okay, for now, if you're taking a long, then caught high needs to go from needs to become positive, which comes under the candle. Okay, so this criteria has been met. Yes, now all you have to do is wait for this candle to close, and as soon as this candle closes above this big number, that means these people are trapped. They don't have pain yet. Pain will come as price goes up, and they will have to force close their positions, right? But as soon as this candle closes above this big order blocks, these big orders, see 583 is a big number. You can't see that number relatively speaking on the candles behind. The biggest number I see is 409, 410, 365, 329, 420, 583 is a relatively big number. If you look at the past, you know, 5 to 10 candles, and that, so most people want a specific answer as to, you know, what is one number that will, you know, determine trapped or not. It doesn't matter. You just need to know if there are enough trapped people here. That's it. And if this is the biggest number that we have seen relatively from the last 5-10 candles, then definitely a lot of people are trapped here. You can even look at volume and see, yes, there is relatively large volume in this specific 5-minute candle. If you compare it, you know, to other candles, it's the highest volume candle here. Okay, for now, at this specific moment in time of the market. Okay, so this condition has also been met. After the candle closes, there are trapped sellers.
in this specific example. Yes. Now, how do we enter and where do we keep a SL? I usually, so as soon as this candle closes, you enter, and I usually keep a stop loss below this candle. That's one way to do it. Another way to do it is keep your stop losses at 20 to 30 points. So that's a static number. If you don't have time to think about in the beginning, आपको अगर ये सीखना है जल्दी और आपको calculation में time नहीं गलाना है, तो आप एक contract पे 20 या 25 point का लगा. So let's calculate exactly. If we enter on this candle close at, let's say, the open, that is 43,800, then this becomes the low 43,750 पकड़ लो or 40. So 60 points. So at the money or slightly in the outside money, you can buy. Okay. One strike OTM. Okay. Slightly. I usually do that for if this is the reversal, then a slight OTM strike will respond better because we can get a better SL over there. But for now, aap kya karo, at the money, in the money, you can put, if 60 points is the length of the candle, you can put 40 point, 30 point as an SL. Okay. Usually I don't do that. I put only the POC. So abhi scalping karna hai hame. To hame stop loss chota rakhna hai, right? ट्रैप्ड बायर्स हो गए तो क्विक मूव आ जाएगा, बट एसएलबी तो छोटा रखना है. तो हम क्या करेंगे, हमें इंबैलेंस चार्ट में जाके पीओसी वॉल्यूम पीओसी ऐड करेंगे. सबसे ज्यादा ट्रेडिंग यहां हुई है, सो आई विल पुट अ एसएल जस्ट बिलो दिस, दैट ऑप्टिमाइजेस द फर्दर योर एसएल. सो 770, सो नाउ दैट बिकम्स 10 टू 15 पॉइंट्स. On bank Nifty, it's 10 to 15 points. On Nifty, it's 5 to 10 points. Okay. If you're wondering about scalping, about this specific thing I spoke here, 5 to 10 points, this is for Nifty, and for bank Nifty, it's around 10 to 15 points, 10 to 20 points at the max. Okay. And now what you have to do, as soon as you enter, all of my students who know, on the first 20 points, 1:2 or 1:1 for that matter, if you're a scalper, I would suggest, highly suggest you have two lots. Trade one lot at exit one lot at 10 points, 20 points, whatever your risk profile allows you to do. Okay. And keep the same. So there are two ways to do this. If you enter with two lots, capture 20 points and use the same 20 points as stop loss on the second lot to capture the big move that might come in. Okay. Now, this is specifically a reversal pattern. That's why we are talking about big moves. Okay. This is exactly what I trade. But if you are trading Fibonacci levels, let's say, for example, or day high, day low, and a big move might not come, then the second thing would be to book your first lot for 20 points and move the SL of the second lot to at cost. So your scalping is also done. And if you get a move in the direction of your trade, like in this, and it starts going up, you can you're basically what you're doing is you're scalping plus you're moving your SL at cost on the second lot, so it's virtually a free trade, and then you can capture this big move by a trailing. Okay, so let's do that. So if we had entered here, okay, our stop loss was very tight here, 20 points or 10 points. I think so. It was 20 points only when I gave the trade to you guys on live last Thursday, right? Exactly after this candle happened, we entered here somewhere. Okay. And then I said, okay, hold. Oh, there's another criteria that I've missed. Wait, before that happens, you also have to. So this is the criteria of small stop loss. This is the criteria that of trapped buyers and sellers, right? Pivot line pe hua hai. Exactly. Yeah. Maine pivot line dekke nahi kiya, honestly. मैंने क्या देख के किया कि एक रिवर्सल पैटर्न बनाए, ट्रैप्ड बायर्स और सेलर्स ऑलरेडी है, बट वो क्यों है, क्योंकि यहाँ एक पिवट लाइन थी, इसलिए लोग लिक्विडिटी यहाँ जनरेट हुई थी. मेनी पीपल यूज पिवट्स, राइट, एंड वो फेल हुआ था एसेंशियली. हर टाइम पिवट लाइन लगा के देखने की जरूरत भी नहीं है. अगर आप ये बार बार, अभी मैंने ये मिनिमम एक 500 बार 1000 बार ट्रेड किया रहेगा ये सेम सेटअप, ओके, इन द लास्ट 3-4 ईयर्स,
or rather more. Okay, but regardless, now there is one more criteria that we want to fulfill is quick move. Okay, quick move will only come if there are trapped buyers, but further quick move will also come if there is a gap of what I've taught you this many times. Volume profile. Price moves slowly in these pockets. Price moves very fast between these gaps. Okay. So when you know that there is this volume that was built here, and as soon as this we enter here, as soon as this line is broken or this line is broken, there is a gap till this. So you know your first take profit level is this. Your second take profit level is this. Your third is your trailing essentially. Okay. But there needs to be a gap. Okay. Right. There were gaps here. If you look at it closely from Thursday 9:15 till this volume profile is till 105. Okay. So there has to be a gap. Okay. Let's put this down. Volume profile gaps. So these are all the things that I look for. With practice, you will understand how to do it. Okay. Wait. Now we will do the same as an example on the opposite side. Okay. And once I close the recording, then only you can ask questions. Okay. My students. So nothing gets, this video gets shorter, and then we can, upload it for people who don't want to go through 1 hour videos like, what I do usually. Anyways, so this is how actually you find and build. Now you can, if you are thinking, how do I make my own setup out of this, is you choose something like 200 EMA, fib levels, week high low. Okay, let's take, I don't know if this was there or not. Let's see if, let's remove this. Let's take another example, a different example, and then we'll come back to this reversal example later on. Okay, let's see if we can find another example. Okay, here. Let's see. Oh, yes. Let's see. Ye dekho. Oh, perfect. Great. This was Tuesday screen. High. Screen. Sorry, on screen. Sorry, guys. Sorry, guys. Sorry, guys. Ye day high hai. Dekho. Thursday or Tuesday ka. Theek hai? We are using day high and day low. Factors or where liquidity might come in. So when price opened, this is the last session. What? Yeah, this is yesterday's session. So in the, this could have been a very good reversal that we could, although there was a bigger context and I was trying to capture a bigger move, right? Liquidation and all of it, which we eventually booked from here, right? That was a different context. But if you had to scalp and also enter a big move from here and wait it out, and you could have captured that 100 point move from here actually, which we did not end up capturing. So you could have done this. Okay, let's see this another failure. Okay, what has happened here? This is the day high, previous day high, previous high and previous week high also. Okay, exactly at this level, what has happened is there any kind of absorption that has happened? No, that's okay. But is there any kind of trapping that has happened? Little bit I can see. So not every time you have to look at absorption. You guys know that it is a good way to detect trapped buyers. Okay. But if you look closely here, 211, 168, 112, 93, 123 are relatively good numbers. Okay. Relatively good numbers. If you look at high concentration, look, 200 and above is a good number to look at. Okay. 100 and above or 200 and above is a good number to look at. So if you look 100, 100, 100, 100, stacked imbalances. So you can actually. We can also see the stop losses getting hit in these candles, the two candles. Right. Triple zero are there. Right. So. I will get back to this, why triple zero is here and why is there no buying and selling. But this is basically a stop loss hunting where people went long from here somewhere, right? And they have their SLs here, okay, at day highs.
But clearly you can see there was a push from top, right? At these levels, 81, 90 people have been, you know, relatively, you can say trapped. These people are trapped. It wasn't a great example. This is not a great example, but this is a great illustration of the examples. Okay. On day high, day low, this can happen. Okay. And what has happened is essentially that we had a counter move. Okay. As soon as we had this close, you can take a small SL. Let's say, for example, you enter at these levels. Okay. On this 44,200. And what is the, yeah, it seems like 50 points. So you can take a small SL of 20 points, 20, 25 points, okay, and wait it out. Now, exactly you have to enter on this close is not a criteria for every pattern or every setup. What has happened exactly here is that we've got an aggression. So we have to move this to 1 minute and see this. Because our risk reward shouldn't be more than 20 points. Otherwise, there is no point in scalping. Okay. If you look this, now you will see the pattern. Pattern hua hai. Right. Iske close pe hum entry karenge. 44,161 pe. Our 44,135. So that's within 10 points. Okay. 10 point ka SL lagayenge. राइट और हम इधर से एंटर कर देंगे. एग्रेशन है थोड़ा सा, इधर ट्रैपिंग हुआ है, फिर से यहाँ ट्रैपिंग हुआ है. ये ट्रैपिंग पे हम एंटर नहीं करेंगे क्योंकि कुछ ये भी कर सकते हो आप. कॉट हाई पॉजिटिव हो गया है इधर, राइट, इधर भी कॉट हाई पॉजिटिव हो गया है, ये ज्यादा वाला हुआ है. आप यहाँ एंटर कर सकते हो, राइट, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ लेट्स से दिस लो. इट विल गेट ट्रिगर्ड हियर, यू विल री एंटर वंस अगेन विद स्मॉल रिस्क. Let's say, for example, and then you have a good shoot up of almost 100 points, honestly. So 50-60 point. So you are giving 10-20 to make 40-60. And if it takes two attempts, you still end up making money. It's a random example I have chosen from just recent year. Pattern bhi hai. Okay, let's go through the conditions. Some trapped buyers, not that much. Caught high, increasing. Okay. What are the other criteria? Aggression thoda tha, absorption hua tha, tin bar reversal pattern aaya hua hai, right? Caught high, increase hua hai, trapped sellers the, aur abhi volume profile ki kya gap hai, dekhte kya hai, kya gap dekhne ke liye, right? Ye chutne ke baad perfectly move hua aur kaha tak take profit tha hamara, POC tak. Right, again same setup. Let's move to our original example of last Thursday when it was sub conditions. All conditions were great, and the reason it worked pretty well, and the reason I asked you guys to, you know, trade it with, you know, maine bola bhi aapko ki dono pakad ke rakho jo bhi hai. Sorry, I went too back. ट्वेंटी सेकेंड का था ना दिन, एक मिनट, लेट्स जस्ट चेक.
Oh, I went too far behind. Cool. ये वाला ठीक है, सेम चीज हुई है यहाँ. फर्स्ट क्राइटेरिया लेवल ब्रेक हुई है, हाँ. यहाँ एब्जॉर्प्शन हुई है बड़ी, यस. यहाँ आप देखना, यहाँ शिफ्ट इन कंट्रोल भी हुआ है, मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस है. अब मैं और एक आपको ये लगा देता हूँ क्राइटेरिया, यहाँ यू कैन ऑल्सो वॉच फॉर शिफ्ट इन कंट्रोल taught in different classes, okay, in our private group. I'm not going to cover that, but even if you don't know it, you can trade this setup without that, okay. There is this imbalance buying, so imbalance buying aaye, and then we had a reversal. Screen, please. Turn your screen, sir. Yeah. Right. So what has happened? Has caught low. So on short trades or reversal trades, what you want to look for is that caught low is decreasing. Has caught low decreased from 1.9k to minus 27 is the biggest reversal sign you can get in this market. Okay, first of all, ठीक है. Second candle में क्या हो रहा है कि ये break, अभी तक break, मतलब there is this positivity in this candle, right? फिर next इसमें क्या हुआ है कि selling absorption हुआ है, so we don't enter here even though we get this signal from caught, okay, that I will give less weightage. We don't have our pattern also. Now, if you look at this 5 minute, this is that reversal pattern. It's not exactly a pin bar pattern, but it is something like that, or a bearish hammer or something like that, right? You don't look. Agar hum 1 minute pe jaate hai, toh hume aur exactly wo milega. But for now, for the sake of this example, what I'm trying to say here is there is absorption on the top side. Yes. Are there trapped buyers? Yes. First of all, is there selling aggression? No, not yet. Okay, selling aggression का नहीं है अभी तक criteria meet, but pattern आया है. Let's go back to our aggression नहीं आया है, absorption आया है. अपने pin bar reversal pattern जैसा कुछ bearish pattern बनता है. Yes, caught high, caught low. Yes, screen चला गया. हाँ हाँ, यही तो दिखा रहा हूँ. ट्रैप सेलर्स है, यस. वॉल्यूम प्रोफाइल की गैप है कि नहीं देखते हैं. शिफ्ट इन कंट्रोल छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है. सो फॉर नाउ एग्रेशन और वॉल्यूम प्रोफाइल, ठीक है. इज देयर अ गैप? यस, दिस इज अ गैप. This is a big gap. You might not ऐसे दो इसके बीच में का गैप नहीं पकड़ना है. ऊपर से अगर छूटता है तो किधर जाके बैठेगा? मिनिमम इतना है मूवमेंट. सो अगर हम यहाँ एंटर करते हैं 44.25 से, तो 50 पॉइंट का नीचे मूव है, मतलब 20-25 पॉइंट मिनिमम मिल रहे हैं, विच इज गुड इनफ फॉर आर डी रिस्किंग ऑफ द ट्रेड ऑन द अदर लॉट, और जस्ट बुक बोथ द लॉट्स एंड गेट डन विद इट, राइट? एटलीस्ट ये है. अगर ये ब्रेक होता है, विच यू नो आइडियली इतना ट्रैपिंग हुआ है ऊपर, तो ये तो मैं एंटिसिपेट करूंगा ही कि बहुत सारा बड़ा लिक्विडेशन आएगा, क्योंकि वॉल्यूम देख लेना आप उस कैंडल पे. अब रिवर्सल पे वॉल्यूम क्या था? बड़ा था, और उससे डबल वॉल्यूम आया है इन कैंडल्स में, राइट? तो ये लोग, तो यहाँ के लोग ट्रैप तो हो जाएंगे जब मार्केट, अगर हाई चांस से पीओसी तक नीचे तक गिरेगा, तो ये लोग जो ट्रैप्ड हुए है यहाँ, सारे लॉन्ग जो ट्रैप, सिर्फ ऊपर वाले नहीं, ऊपर वाले सिर्फ फ्यूल प्रोवाइड करेंगे इनिशियली क्विक स्कैल्प के लिए, बट बाकी के जो अभी के ये स्कैल ट्रैप्ड लोग हैं, इसमें देखो कितनी बड़ी वॉल्यूम कैंडल बनी है. ये लोग तो और पैनिक करके और सेलिंग करेंगे, राइट? दैट सेम थिंग विल कंटिन्यू. ओके, सो वी नो फॉर अ फैक्ट दैट सिर्फ गैप ही नहीं है, बट बहुत सारे प्लेयर्स ट्रैप हो सकते हैं. यहाँ बहुत सारे प्लेयर्स ट्रैप हुए, इसकी वजह से वो नीचे जाएगा, जिसकी वजह से और बाकी के लोग ट्रैप पेन फील करेंगे, जिसकी वजह से और नीचे जाएगा, जिसकी वजह से और लोग पेन फील करेंगे, जिसकी वजह से और नीचे जाएगा. सो दिस बिकम्स अ स्नोबॉल इफेक्ट. ओके, सो लेट्स गेट बैक टू आर फोर्थ फाइनल क्राइटेरिया ऑफ एग्रेशन. हैज एग्रेशन कम इन इनटू दिस कैंडल? एब्सोल्युटली यस, राइट?
और कॉट लो एकदम से नेगेटिव हो गया 1.9 के से -27 टू -1.5 टू -1.5, मतलब कुछ भी नंबर नहीं है ये, बट एग्रेशन दिखाई दे रहा है अभी, राइट। तो जैसे ही कैंडल यहाँ क्लोज होती है मैं क्या एंटर करूंगा यहाँ, आई विल एंटर एट 44.21, राइट, एंड आई विल पुट अ स्टॉप लॉस बियॉन्ड दिस पीओसी ऑफ द सेम कैंडल, और आई विल टेक अ आई विल टेक दिस 44.21 पे अगर एंट्री हो रही है, आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो मेरे जैसे, मैं थोड़ा सा एंटिसिपेशन कर लेता हूँ क्योंकि ट्रैपिंग यहाँ ही हो गई है एक्चुअल में। आप देखो अगर रिवर्सल पैटर्न के लिए रुक भी नहीं सकते, मतलब रोकना नहीं तो यूजुअली प्रोबेबिलिटी ज्यादा करने के लिए मैं पैटर्न के लिए रुकता हूँ, बट अगर थोड़ा एग्रेशन आना है कि यहाँ ही अगर ट्रैप हो गए और ये कैंडल उसके नीचे ही क्लोज हो गए, तो आप देखना 800, 1200, 2000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ ऐड हुए, ट्रैप हुए है, एक्चुअली 3000 नहीं है, आई जस्ट डिवाइडेड, इट्स एक्चुअली लुक एट दिस व्हाट्स हैपनिंग, 100 के कॉन्ट्रैक्ट्स 135 के 175 180 200 200,000 कॉन्ट्रैक्ट इधर ट्रैप हो गए हैं, ये तो समझ रहे हो आप, जैसे ही पैटर्न बनता है मैं सीधा सीधा इस कैंडल का ये जो पीओसी है इसके ऊपर एक एसएल लगा दूंगा, सो 44.70 के अबाव, और मैं इधर एंटर कर दूंगा 44.25 को, सो दैट अमाउंट्स टू व्हाट 45 पॉइंट्स, सो एट द मनी 20 पॉइंट्स चल जाएगा आपको, गिवन इतने लोग है तो वो चल जाएगा, इस हाई को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, 10-20 पॉइंट्स के मैक्स स्कैल्प करना है उस, अगर नहीं कर सकते तो स्कैल्प नहीं करना है, फिर आपको वो बड़ा मूव के लिए बैठना है, ठीक है। इमीडिएटली यू एंटर यू गेट अ क्विक डाउन मूव हियर, और हमारा क्विक अपने एक्सपीरियंस किया था, मोस्ट स्टूडेंट्स हियर हु टुक दैट ट्रेड एक्सपीरियंस किया था कि आपको साइकोलॉजी का कुछ इश्यू ही नहीं आएगा क्योंकि आपके फेवर में ही जल्दी गया था मूव इमीडिएटली, क्योंकि इतनी ट्रैप्ड बाइंग सेलिंग, वॉल्यूम भी उस दिन वैसा था, राइट। सो दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ, अभी बाद में मैंने पिवट लाइंस देखे, होमवर्क किया कि यहाँ क्यों आए रहेंगे, फिब लेवल्स भी कन्फ्लुएंस में है यहाँ, आप अगर देखो तो यहाँ एक सपोर्ट, पहले के सपोर्ट था एक, राइट, एक रेजिस्टेंस था पहले का, सो नॉर्मल एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह जैसे देखा तो ये सपोर्ट बन गया, ये सॉरी रेजिस्टेंस बन गया, ये सपोर्ट था, राइट, फॉरगेट पिवट पॉइंट्स, सो मल्टीपल फिब्स भी थे वहाँ, पिवट पॉइंट्स भी थे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स थे, प्राइस एक्शन वालों की लिक्विडिटी यहाँ आने वाली थी, ऊपर और नीचे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होने वाली थी, इसके कारण सिंपली मुझे देखना नहीं पड़ा क्योंकि इतना बड़ा नंबर विक्स लो है बहुत दिन से, तो ये जो नंबर बन रहे थे ये मेरे लिए बहुत दिनों के बाद ये नंबर बने 31K, ये बहुत बड़ा नंबर है ट्रैप्ड का, यहाँ तो 36K, 42K, 15K, 25K, 10K, 40K, 20K, 25K, यूजुअली अब नंबर है देखो क्या है 10,000, 14,000, 625, 3,000, 4,000, 5,000, नथिंग बियॉन्ड 10,000 एक्चुअली, राइट। तो यहाँ बहुत सारी लिक्विडिटी कैप्चर हो गई, और अब सिंपल वॉल्यूम कैंडल्स देखो उतना देखने को मिला, मैंने सीधा सीधा एंटर किया, बाद में मुझे समझा कि यार तीन कन्फ्लुएंट लेवल्स थे, एक फिब्स की थी, एक पिवट की थी, एक यहाँ का सपोर्ट रेजिस्टेंस था और नीचे का सपोर्ट था यहाँ, ठीक है। सो नाउ यू नो द फ्रेमवर्क, लेट्स गो ओवर इट वंस अगेन, ठीक है। हमें क्या चाहिए फ्रेमवर्क में, तीन क्वालिटीज होनी चाहिए, हम क्या छोटा एसएल दे सकते हैं, यस, अगर हम रिवर्सल, हम अगर फेलियर्स पकड़ते हैं, फेलियर्स आर बेसिकली की levels, why can we give small SLs on key levels like pivot levels, if it fails and it fails again, right, to apna immediately hame, this is like a trend decider for the next target, right, let's say for example for this, to hame immediately small SL deke hame samajhta hai ki no this is failure, then again failure, so it's become choppy, let's get out of it, right, so it fulfills that criteria. Since we are choosing failures of key setups, वहाँ अगर वो specific zone में अगर अपना setup fail हो जाता है तो already हम failure को trade कर रहे हैं,
उस पे अपना सेटअप फेल हो जाता है तो एकदम छोटा सा एसएल देना पड़ेगा। सो बराबर है, क्विक मूव आएगा ट्रैपिंग के कारण, हाई प्रोबेबिलिटी क्यों रहेगा, एब्जॉर्प्शन कॉट हाई कॉट लो, एब्जॉर्प्शन थ्रू ऑर्डर फ्लो, राइट। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्डर फ्लो। आपको मैं फर्दर ये इंप्रूव करके देता हूँ, रुको। इफ यू लुक एट दिस, ये हम क्या यूज कर रहे हैं हर रोज ट्रैप्ड, ये देखने के लिए कि वॉल्यूम तो है पर डेल्टा भी तो है। डेल्टा में आप देखो सबसे ज्यादा बड़ा डेल्टा यहाँ बना हुआ है, राइट, नो डाउट वहां बनेगा क्योंकि सबसे बड़ी डेल्टा कैंडल तो वही बनी है ना नीचे, ये देखो ये सबसे बड़ी डेल्टा कैंडल एब्जॉर्ब हुई है, राइट। जैसे ही इसको एग्जिट करता है आप एंट्री कर लो और नीचे का एसएल लगा दो, 5 पॉइंट का लग जाएगा आपका। फिर मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस पैटर्न, ट्रैप्ड बायर्स, पिवट लेवल फेलियर, एब्जॉर्प्शंस, एग्रेशन, कॉट हाई इंक्रीजिंग फ्रॉम -6.6K टू -125, गैप इन बिटवीन, यस फॉर अ क्विक मूव, ऑल द कंडीशंस आर बीइंग मेट, इमीडिएटली एंटर, डोंट वरी, प्रोसेस को फॉलो करो। दिस इज द स्कैल्पिंग टेक्निक आई यूज टू एंटर क्विक स्कैल्प्स, इट्स लाइक अ क्विक, इट्स अ रिवर्सल स्कैल्पिंग टेक्निक वेर आई गेट अ स्कैल्प ऑल्सो, I get a reversal also, and from the scalp, जितना पैसा मैं scalp पे बनाता हूँ उसको ही मैं दूसरे positions पे उसका SL ले लेता हूँ, ताकि मैं बड़े move में without worry बैठ सकता हूँ कि कुछ भी हो गया तभी भी मैं तो no profit no loss में निकल जाऊंगा ना, तो फिर psychology बीच में आएगा ही नहीं। psychology क्या कहेगा ऊपर जाने के बाद, यार थोड़ा profit ले लेता हूँ। क्यों बोलता है ये psychology? क्योंकि हारने का डर होता है, जब हारने का डर ही नहीं है तो मैं पकड़ के बैठूंगा, मैं बोलूंगा नहीं यार और 100 पॉइंट टारगेट ट्रेल होने दो, 50 का मैं ट्रेलिंग करूंगा, राइट, एंड स्लो, एंड यू हैव सीन मी कैप्चर दिस एंटायर मूव, दिस एंटायर मूव, इनफैक्ट यू हैव सीन मी कैप्चर ऑल द बिग मूव्स, वी कैप्चर्ड दिस मूव एज वेल, राइट, एंड देन वी कैप्चर्ड दिस मूव एज वेल। तो लास्ट 2-3 सेशन में हमने बड़े मूव्स कैसे कैप्चर किए, यही करके स्कैल्प करके और फिर बड़े मूव में घुसे। सो इट्स अ 2-in-1 स्नाइपर सेटअप दैट आई हैव टॉट यू। नाउ आई विल क्लोज दिस रिकॉर्डिंग एंड देन वी विल टेक सम क्वेश्चन आंसर्स हियर, ओके।